नमस्कार, अपन निज में स्वागत है। हम ब्रह्मानंद ठाकुर। स्थानीय प्रशासन जारी केने कर्फ्यू के अवज्ञा करत जनकपुर में भोरे से सामान्य प्रदर्शन भ रहा है। संयुक्त लोकतांत्रिक मधेशी मोर्चा कर्फ्यू के आदेश के अवज्ञा करब कहने समय जनकपुरक सर्वसाधारण सड़क पर आबिक कर्फ्यू के समय में जनकपुरक विभिन्न चौक में टायर बारिक विरोध प्रदर्शन के संगे नाराबाजी के नियाय छ। जनकपुरक सड़क पर 6:30 बजे के बाद मात्र सशस्त्र पुलिस के टुकड़ी सब विभिन्न चौक पर देखल गेल छ। यद्यपि सर्वसाधारण जनकपुरक पुरान बस स्टैंड, भ्रमरपुरा चौक, बजरंग चौक लगायत के क्षेत्र सब में टायर बायर का विरोध प्रदर्शन के संगे कर्फ्यू के अवज्ञा केने करब जननीय छ। और जब तक अधिकार नहीं देते तब तक कोनो कीमत में जनता नहीं हटती। ऐसा पहिने भोरे मॉर्निंग वॉक के निहार सभा के भीड़ लागल छल। 6:30 बजे के बाद मात्र भीड़ पतरायल छ। तथापि जनकपुरक विभिन्न स्थान पर कर्फ्यू के अवज्ञा कैल गेल छ। स्थानीय प्रशासन शुक्र दिन भोर 6 बजे से लागू होब जका जनकपुर नगर क्षेत्र भीतर कर्फ्यू के आदेश जारी कयने अछि। देश के मांग पूरा हो, हम सब मधेशी छी, पद एक जनबै छियै, लेकिन ई दमन कर रहल है पुलिस प्रशासन न। मोतारी के जलेश्वर में शुक्र दिन भीड़ सर 6 बजे से 9 बजे धर के लिए 3 घंटा कर्फ्यू हटाओल गेल। बुध दिन प्रहरी के गोली लाग 4 गोटे के मृत्यु भेला के बाद स्थानीय प्रशासन अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगौने छल। अहिबीच कर्फ्यू 3 घंटा हटल समय में करीब 100 गोटे के संख्या में रहल प्रदर्शनकारी सब प्रहरी के असहयोग कर के मनसाय से प्रहरी के रूम भाड़ा देवे वाला घर पट्टी सब के रूम खाली कराब कहने अछि। अना प्रहरी के खुआबत आयल होटल सब में प्रहरी के नहीं खुआब कहने अच्छा प्रहरी के दैनिक उपभोग्य सामान तथा तरकारी सब बेच समेत निषेध कने। बुध के रात 8 बजे से जारी कर्फ्यू के जलेश्वर के महिला सब उल्लंघन करते बृहस्पति दिन झाड़ू जुलूस प्रदर्शन कने। जलेश्वर के शंकर चौक, अस्पताल चौक, नगर पालिका चौक, सिनेमा हॉल चौक से निकलल महिला सब के झाड़ू सहित जुलूस जलेश्वर में प्रदर्शन कने। प्रदर्शन के क्रम में जलेश्वर के बस स्टैंड चौक, शंकर चौक, सिनेमा हॉल चौक में सुरक्षा कर्मी बीच झड़प भेला से 2 दर्जन महिला सब घायल भेल। प्रहरी स्थिति नियंत्रण में लेब 4 राउंड हवाई फायर कर के संगे 15 सेल से बेसी अश्रु गैस प्रहार के छल। स्थानीय महिला सब बुध दिन प्रदर्शन के क्रम में गोली चलाबक स्थिति नहीं रहला के बावजूद गोली चलला से तत्काल 3 गोटे के घटनास्थल में आपात में 1 गोटे के मृत्यु भेल कहित आक्रोशित भेल महिला सब कर्फ्यू के उल्लंघन करते प्रदर्शन में उतरल। एम्हर संयुक्त लोकतांत्रिक मधेशी मोर्चा के नेता सब सेहो जलेश्वर के 0 माइल में कर्फ्यू के उल्लंघन कयने छल। वह क्रम में सेहो प्रहरी आ प्रदर्शनकारी बीच झड़प भेल छल। झड़प के क्रम में किछ राजनीतिक दल के प्रतिनिधि सब सेहो घायल भेल छल। अखन जलेश्वर के ताजा स्थिति के जानकारी देव के लेल हमर सभक संवाददाता रंजन भंडारी जी प्रत्यक्ष टेलीफोन संपर्क में छथि। रंजन जी, जलेश्वर में आई सुबह से अखन तक में की भेल अछि, ताजा खबर किछ दिय।
ओहिठाम नबे से फिर से कर्फ्यू लागे वाला स्थिति चल रही है, तेहन में कर्फ्यू के समय में निकल से लोग की केना? अपने कहली जे मतलब ओहिठाम प्रदर्शनकारी सब एकटा सिविल में रहल पुलिस प्रति पुलिस पर जैसे आक्रमण केने छली, तो ओहन कंडीशन में ओहिठाम पुलिस संगे कोनो झड़प भेली कि नहीं भेली ओहिठाम? अखन तो 9 बजे से फिर कर्फ्यू हेती लागू भ गेल, तो ओहन स्थिति में जलेश्वर में अखन सुनसान छे कि केहन स्थिति अखन? धन्यवाद रंजन जी। इसलता हमार सभा के जलेश्वर संवाददाता रंजन भंडारी जी कह सकिन से अखन जलेश्वर में अखन जैसे जलेश्वर में एक शिविर में रहल प्रहरी ऊपर अज्ञात समूह आक्रमण क घायल बना कर फेंक देने से वही कंडीशन में हुनका जैसे इलाज के लिए अस्पताल पहुँचाल गया है। ते के बाद आक्रोशित पुलिस सब स्थानीय के ओहिठाम जैसे युवा सब के घर घर में पैसकर पकड़ कर जैसे पीटपाट कर रहा है, तेहन किस्म के खबर आये। आप चली आगा के समाचार दिस। मधेशवादी दल के नेता सब नेपाली सेना के बैरक में फिरता नहीं कर दे तथा आंदोलन में धरपकड़ बंद नहीं कर दे वार्ता में नहीं बैसब दोहर कैस। रिपोर्टर्स क्लब बेस्वे दिन काठमांडू में केने साक्षात्कार में सहभागी मधेशवादी दल के नेता सब सरकार संग वार्ता के लिए अपने सब तैयार रहल, मुदा वही के लिए सेना के फिरता क धरपकड़ बंद कर पड़त बतौलक। मधेशी जनाधिकार फोरम लोकतांत्रिक के महासचिव एवं थारूहट संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक रामजनम चौधरी आ सद्भावना पार्टी के महासचिव मनीष सुमन प्रधानमंत्री आ प्रमुख दल सब के वक्तव्यबाजी के आधार में अपने सब आंदोलन रोक के वार्ता में नहीं बैसब बतौलक। दोनों नेता मधेश आंदोलन के कमजोर कर तुल्याब के लिए प्रमुख दल सब वार्ता के नाटक के आरोप लगे। प्रमुख तीन दल बुध दिन साँझ में मधेशवादी दल आ थारू समुदाय के वार्ता के लिए लिखित रूप में आह्वान केने छल। जनकपुर में भिनसरे से कर्फ्यू लगाल गेल अछि। कर्फ्यू लागल करीब 3.25 घंटा भ चुकल अछि। एहि दरमियान में जनकपुर के स्थिति केहन अछि, अखन जनकपुर के तत्काल ताजा खबर की अछि, एहि संबंध में जानकारी लेबक लेल हमर सबक प्रत्यक्ष टेलीफोन संपर्क में सहकर्मी घनश्याम मिश्र जी छथिन। घनश्याम जी, अहाँ जनकपुर में अखन कर्फ्यू के दरमियान घूम रहल छी, ओहिठाम रिपोर्टिंग कर रहल छी, अखन की देखे में आबि रहल, ताजा खबर की अखन तक के?
घनश्याम जी, अपने कहली जे प्रदर्शन भ रहल छी जनकपुर में ठाम ठाम में, तो ओहन जगह पर प्रहरी सब अखन तक कोनो हस्तक्षेप केने छी कि नहीं? आई कर्फ्यू के दरमियान कोनो झड़प या कोनो किस्म के ओहन घटना भेल कि नहीं? ठीक से, धन्यवाद जानकारी के लिए। इसलिए हमारे सबक सहकर्मी घनश्याम मिश्र जी जे जनकपुर में आई भिनसर से 6 बजे से अनिश्चितकालीन कर्फ्यू जे लागल है, आई विषय में जानकारी दे छलखिन जे जनकपुर के ताजा अवस्था की है अखन तक कर्फ्यू के दरमियान। वो कह छलखिन जे कर्फ्यू जे छै से केओ हंसी मजाक के रूप में लऽ रहल छै, एहि के जे छै से कर्फ्यू लगला के बादो विभिन्न ठाम में उल्लंघन भ रहल छै, अवज्ञा होइत टायर बायर के प्रदर्शन कयल जा रहल छै। आ तहिना पुलिस सब जैसी से हवाई फायर करीब कलकिन से एक दर्जन हवाई फायर भ चुकल छै, हवाई फायर जैसी से प्रदर्शनकारी सबके तितर बितर कर रहल छै आ भगा रहल छै, तै किसिम से समाचार देलखिन। आब चलिए आगू के समाचार दिस। जनकपुर में संयुक्त लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा के महिला नेतृत्व सब झाड़ू जुलूस निकाल लिए छै। जनकपुरक जनक चौक से निकलल जुलूस नगर के विभिन्न भाग के परिक्रमा करैत फेर से जनक चौक पर कोण सभा में परिणत भेल छल। बृहस्पति दिन कोन सभा में मंतव्य रखने अधिकांश महिला नेत्री सब आंदोलन में आवा महिला सब के आह्वान के लिए वो सब अधिकार प्राप्ति के आंदोलन रहल कहते शांतिपूर्ण प्रदर्शन में घर घर से महिला के निकल आह्वान के लिए। महिला नेत्री लोकन पुलिस दमन पर उतरत त अपने सब प्रतिकार करब चेतावनी सेहो देली। संयुक्त लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा 12 के कलैया अस्पताल में पार्किंग क राखल गेल। अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट के निजी कार में आज जनी केने अछि। उमर कलैया अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट शैलेश कुमार झा निवास नजदीक के अस्पताल परिसर में पार्किंग क रखने सुजुकी कंपनी के 101-879 नंबर के कार के बृहस्पति दिन बेरिया में 3:30 बजे मोर्चा के कार्यकर्ता सब आग लगौने अछि।
प्रदर्शनकारी या प्रहरी बीच झड़प की स्थिति तनावग्रस्त भेला के बाद जिला प्रशासन कार्यालय सिरहा के राजमार्ग क्षेत्र में बृहस्पति की बेरिया से दोसर आदेश नहीं होबे के लिए निषेधित क्षेत्र घोषणा के लिए सिरहा के प्रमुख जिला अधिकारी मान बहादुर विश्वकर्मा जिला के पूर्वी सीमाना बलान खोला से पश्चिमी कमला नदी धेर पूर्व पश्चिम राजमार्ग दहिना बामा 500 मीटर आसपास क्षेत्र में बृहस्पति दिन बेरिया 12 बजे से दोसर आदेश नहीं होबे धर के लिए निषेधित क्षेत्र जारी के जानकारी दिलन। अहिना के नया शहरवा से लगकर दक्षिण सिरहा सदर मुकाम लचका पुल धर के सहायक मार्ग में सेहो निषेधाज्ञा जारी कैल गेल। अहि बीच लहान में प्रदर्शनकारी से बाजार क्षेत्र के विभिन्न ठाम में टायर बैठ कर प्रदर्शन केने छल। प्रदर्शनकारी से पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत लहान खंड के पश्चिम ट्रैफिक चेक जांच ट्रैफिक चौक नजदीक में गाछ खसा कर बुध दिन सांझ सड़क अवरुद्ध कर चला के बाद प्रहरी रोक के क्रम में झड़प भेल छल। लहान में झड़प के क्रम में पुलिस गोली चलला के बाद बुध दिन सांझ में 8 आंदोलनकारी आ 9 गोटे प्रहरी घायल भेल छल। तहिना ओ सब 12 बजे कर्फ्यू लगला के बावजूद एक ट्रक एक मोटरसाइकिल में आगजनी कने छल। ओय के बाद 2 बजे से सिरहा के दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा कैल गेल छल। थरवर थरवन संघर्ष समिति कैलाली के संयोजक लाहूराम चौधरी के प्रहरी पकड़ाव कैलक। टीकापुर घटना बारे अनुसंधानक लेल चौधरी के पकड़ाव कैल गेल। कैलाली के प्रमुख जिलाधिकारी मोहन बहादुर चापागाई जानकारी दिलन। अनुसंधानक क्रम में उनका पकड़ाव कैल गेल प्रजय चापागाई बतौलन। ऐसे आगू प्रहरी फोरम लोकतांत्रिक के नेता लक्ष्मण थारू के पकड़ाव केने छल। बैरावा से पकड़ाव केने हुनका मध्य रात में 12 बजे कैलाली पहुंचाओल गेल छल। प्रजय चापागाई के अनुसार टीकापुर घटना बारे अनुसंधानक लेल अखन धरि 20 गोटे पकड़ाव पड़ल। 16 गोटे के मैथ थपका का हिरासत में राखल गेल। 4 गोटे के अदालत में उपस्थित कराबा बाकी है। भादव 7 गते टीकापुर में भेल हिंसात्मक झड़प में नेपाल प्रहरी के SSP सहित 8 सुरक्षाकर्मी आ 1.5 वर्ष के एक बालक के हत्या भेल छल। घटना के बाद टीकापुर में लगाओल गेल कर्फ्यू जारी है। तनाव कायम है। राजमार्ग के सुरक्षार्थ खटल एक प्रहरी जवान के कार के ठक्कर से मृत्यु भेल। दोसर जवान गंभीर घायल भेल। पूर्व पश्चिम राजमार्ग के लम्बी नगर पालिका एक नर्ती में बृहस्पति के रात 12:10:52 नंबर के टाटा सुमो कार के ठक्कर से दांग वड़ा प्रहरी कार्यालय लम्बी में कार्यरत दांग डुरुआ गावी से 9 निवासी 27 वर्ष के जवान जीतराम चौधरी के घटना स्थल में मृत्यु भेल। वह कार के ठक्कर से राजपुर गावी से 5 निवासी 28 वर्ष प्रहरी जवान चंद्र भंडारी गंभीर घायल भेल। भंडारी के कोहलपुर अस्पताल में इलाज भ रहा है। भालुवांग से लम्बी दिश जा रहा तीव्र गति में जा रहा कार सड़क कात में रहल प्रहरी जवान सब के ठक्कर देने से रात 12 बजे नर्ती में रादू पर 43-73 नंबर के मोटरसाइकिल चालक के अपरिचित व्यक्ति सब रोक कर पीटपाट कर लगल के बाद सुरक्षा लेल खटल वड़ा प्रहरी कार्यालय लम्बी के प्रहरी ओहिठाम पहुंचल आ घायल व्यक्ति के उद्धार के क्रम में वो कार ठक्कर देने वड़ा प्रहरी कार्यालय लम्ही के प्रमुख प्रहरी निरीक्षक लक्ष्मण बहादुर शाही जानकारी देलन। मोटरसाइकिल चालक के माथ में गंभीर चोट लागल प्रहरी बतौनी है। ओकर नाम ठेगाना खुजब नहीं सकल इलाजक लेल नेपालगंज पठाओल गेल। प्रहरी ठक्कर देवे वाला वही कार के लम्ही नगर पालिका 10 देवपुर के गांव में फैला पारने से चालक फरार रहल बताओ जा रहा है। थारू सबक जातीय संगठन आह्वान के बंद के राजमार्ग में होब सकल के घटना के मद्देनजर करते प्रहरी सुरक्षा में खटल छल। अपन ही सखन के लिए लतवे पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टीवी। नमस्कार।